अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसमें हम ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए काफी सारे पोस्टुलेट्स हैं। तो अगर तो दो ट्रायंगल्स आपके पास, उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर दो साइड्स एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर दो एक एंगल और दो साइड्स, या फिर दो एंगल और एक साइड्स कॉन्ग्रुएंट, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। जस्ट हमने इसमें सिर्फ जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं आपस में उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, दो ट्रायंगल्स हैं उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.1 में प्रूफ गोइंग है जो आपने थ्योरम्स में पढ़े हैं। तो एक्सरसाइज आगे 10.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, From the bigger figure, find the measure of unknown numbers x and y. अब आपके पास ये figure given है, तो इस figure के लिहाज से आपने find करना है x और y. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब दो एक ही triangle में दो जो angles हों वो congruent हों। जैसे इसमें देखें 30 और 30, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये भी 30 का एंगल है और ये भी 30 का एंगल है। तो इसके जो अपोजिट साइड होती है, फेसिंग साइड, 30 के फेसिंग साइड कौन सी है? 6 सेंटीमीटर। और इस 30 के साइड कौन सी फेसिंग साइड है? एक्स है। तो ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। साइड्स जो होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो सबसे पहले हम वाई फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए देखिए आंसर लिखेंगे हम, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहां पे जितने भी एंगल्स हैं ट्रायंगल के वो यहां पे लिखेंगे, उनका सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। फर्स्ट एंगल कितना है? 30 डिग्री प्लस एक एंगल y के इक्वल है। यहाँ पे इस तरह शो भी करते हैं, मेजरमेंट एंगल, ये जो साइन है ये एंगल को शो करता है, मेजरमेंट एंगल y प्लस अगेन 30, ये वाला एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 30 प्लस 30 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल y को सेपरेट करने के लिए 180 में से माइनस करेंगे 60 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आएगा? 120 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल y, इसका मतलब y तो हमारे पास फाइंड हो गया है, ये किसके इक्वल आया? 120 डिग्री के। अब हमने क्या फाइंड करना है? x। तो मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि अगर तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, अब ये देखिए यहां पर भी 30 है यहां पर भी 30, तो उनके जो फेसिंग साइड होगी अपोजिट साइड्स वो भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर इस एंगल के फेसिंग साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये बात आपने वहां पे लिख देनी है, मेंशन कर देनी है कि जो फेसिंग साइड दूसरे एंगल की है वो भी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब जो आपके पास x है वो भी किसके इक्वल होगा? 6 सेंटीमीटर के। क्यों? आपने यहां पे रीजन लिख देनी है कि अपोजिट जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं उनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट होंगी साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। फ्रॉम द फिगर, ये जो मैंने जहां पे बातें लिखी बताई आपको बोल के वो आप यहां पे मेंशन आपने करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फिगर फाइंड द मेजर ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, आल्सो फाइंड मेजरमेंट साइड ए बी एंड मेजरमेंट साइड ए सी। यहां पे हमने फिगर ही ड्रा की, फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो ए सी यहां पे ट्राइंगल बनाएंगे। इंटरनल एंगल्स वो होते हैं जो ट्राइंगल के अंदर, इस ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर जो एक दो तीन एंगल बनते हैं इनको कहते हैं इंटरनल एंगल्स, और जो इस फिगर के आउटसाइड पे एंगल्स बनते हैं इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां से इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यहां पे आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 120, यहां पे एक्सटीरियर एंगल 120।
ट्राइंगल ए डी सी, बी और सी की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ए बी सी, अच्छा हमने फाइंड क्या करना है इसमें, मेजर ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ इंटरनल एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स दो दिए हुए हैं, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे भी 120 है, हमने फाइंड क्या करनी है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं और दो साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, एक ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और सेकंड वन ए सी की। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स फाइंड करते हैं। अब देखिए जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होते हैं, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये देखिए जैसे ये क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हो, चाहे यहां पे देखें एक 120 का बन रहा है, यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल हम कोई भी बना लेते हैं 60 का, तो ये इनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है 180 के। तो इसी की मदद से हम यहां पर फाइंड करेंगे। अब देखिए यहां पे जो एंगल बी फाइंड करना है वो हमने कैसे फाइंड करना है, यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अब देखिए यहां पे तो एक 120 का ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, पर यहां पे एंगल जो है वो मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल बी प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको सेपरेट करेंगे तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, हमारे पास 60 डिग्री आ गए। इसी तरह अब यहां पे भी तो एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो जब मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करेंगे इसी मेथड से तो वो भी किसके इक्वल आएगा 60 डिग्री के, यहां पे 120 था ना और यहां पे भी 120 है, तो जब सी एंगल भी इसी मेथड से फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल्स तो हमारे पास आ गए, ये भी 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 डिग्री आ गया, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है 180 के। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के। तो अब एक एंगल मिस है, वो कौन सा है, मेजरमेंट एंगल ए, सारे एंगल्स का सम लेंगे, दो एंगल्स हमारे पास आ गए, ये भी 60 डिग्री है, सेकंड वन भी 60 डिग्री है, तो ये 180 के इक्वल है, तो 60 प्लस 60 मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120, तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह आप हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, सारे कौन से हैं 60 60 और 60, तमाम इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर लिए। हम लोगों ने दो साइड्स फाइंड करनी है, एक तो मेजरमेंट साइड ए भी फाइंड करनी है, दूसरी ए सी। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर इंटीरियर एंगल्स कॉन्गुरेंट हो तो उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, कॉन्गुरेंट। तो अब देखेंगे यहां पे भी कौन सा एंगल बन गया 60 का, तीनों एंगल 60 के हैं, इसका मतलब तीनों साइड्स जो क्या होगी वो भी क्या होगी, कॉन्गुरेंट होंगी, वो भी सेम होंगी। अब एक साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाकी साइड्स भी किसके इक्वल होंगी, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। तो मेजरमेंट साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड बी सी, ये किसके इक्वल आएंगे, 4 सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि तीनों एंगल्स कॉन्गुरेंट हैं तो तीनों साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्गुरेंट होंगी। अब यहां नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो पहले तो हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़े थे, अब हमारे पास रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल का आपको पता है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी
और ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के इक्वल इक्वल होते हैं, चारों एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। तो इसमें देखें, एज द गिवन रेक्टेंगल कैलकुलेट अननोन एंगल्स नॉर्म x एंड y, तो हमारे पास एक x हमने फाइंड करना है एंगल, और दूसरा हमसे फाइंड करना है y, हमारे पास जस्ट सिर्फ एक एंगल गिवन है, इस एंगल की मदद से हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं x और y। तो सबसे पहले यहां पे तो आपको पता है कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, तो सबसे पहले हम ये ट्राई एंगल लेंगे, ये जो आपके पास ट्राई एंगल बन रही है, इस ट्राई एंगल की मदद से हम x फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें कितने एंगल्स गिवन है हमारे पास, फर्स्ट वन x प्लस 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 54 प्लस 90 ये आपके पास आ जाएगा 144 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 में से जब आप सबट्रैक्ट करेंगे 44 तो ये आपके पास आएगा 36 डिग्री, x तो आपके पास फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है y, तो आपने ये थ्योरम्स में पढ़ा होगा कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल हो पैरेलल ग्राम हो आपके पास, उसमें जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अब देखें x और y ये अल्टरनेट एंगल्स हैं 54, और अगर यहां पे कोई एंगल होता तो वो भी क्या होगा 54 और दिस वन, ये एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल्स है, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कॉन्गुरेंट होते हैं। तो यहां पे आपने साथ मेंशन भी कर देना है इन रेक्टेंगल अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्गुरेंट, अल्टरनेट एंगल्स क्या है कॉन्गुरेंट है, तो इसका मतलब जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल होगा वाई के इक्वल होगा, वो क्या होगा 36 डिग्री। इसका मतलब x और y जो दोनों एंगल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे 36 डिग्री के इक्वल होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कि पैरेललोग्राम ABCD है शोन इन फिगर, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ आपने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल का बताया इसी तरह ही पैरेललोग्राम में भी जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे इक्वल होंगे, वो भी कॉन्गुरेंट होंगे। तो सॉल्व करते हैं, दो एंगल्स हमारे पास गिवन है, बाकी फोर रिमेनिंग एंगल्स हमने क्या करने फाइंड करने हैं। तो मेजरमेंट एंगल 1, एक ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल 2 कितना है वो 105 गिवन है, ये 1 था और ये 2 एंगल था, ठीक है, ये दोनों एंगल्स गिवन थे, बाकी हमने सारे एंगल्स फाइंड करने। तो सबसे पहले तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं इस ट्राइंगल में ए बी सी, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर तो हमने ए बी सी इस ट्राइंगल का ये थर्ड एंगल फाइंड कर लिया तो हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल 6 है वो भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा, इसका ये एंगल 2 गिवन है तो 4 भी हमने फाइंड ऑलरेडी किया, वो हमें सामने नजर आ रहा है कि अल्टरनेट एंगल 2 जो है उसका 4 है और 6 का 3, अगर 3 फाइंड कर लेते हैं तो 6 ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल 3 फाइंड करेंगे, तो ये ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये दोबारा वही बातें रिपीट हो रही हैं बार बार, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए कौन से तीन एंगल्स हैं जिनको हमने सम जिनका हमने सम लेना है, ए बी सी, इसमें 30 एंगल है 105 है, 30 डिग्री प्लस 105 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180
डिग्री। 30 प्लस 105 135 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 135 को जब राइट साइड पर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से 135 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 3 हमने फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री के इक्वल। अच्छा अब हमें ये पता है कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स 2 और 4, मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल्स टू, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर 2 30 के इक्वल था तो 4 भी किसके इक्वल होगा 30 के इक्वल। हमारे पास 3 भी फाइंड हो चुका है और 4 भी फाइंड हो चुका है। अब हमने देखना है कि 3 क्या है, 45 था, तो यहां पे अगेन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 6। अब देखें 3 जो है वो अल्टरनेट किसका है, 6 का, तो 3 45 था तो 6 भी क्या होगा 45 डिग्री। 4 भी फाइंड हो गया, 5 भी फाइंड हो गया, और अब देखिए 1 भी हमारे पास है। अब एंगल कौन सा रह गया, सिर्फ 5 रह गया। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स मतलब देखें यहां पे डी एंगल था, इसके सामने जो फेसिंग है एंगल, डी का अपोजिट बी है, ए का अपोजिट सी है। अब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो भी कॉन्गुएंट होते हैं। जो बी का बी एंगल क्या आ रहा यहां पे मेंशन कर देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। अब देखें यहां पे कौन सा था, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू 105 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 1 के अपोजिट था 5, अगर 1 105 डिग्री है तो 5 भी क्या होगा 105 डिग्री। ये एंगल्स हमने फाइंड करे थे। आपने यहां पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्गुएंट होते हैं और अपोजिट एंगल्स वो क्या होते हैं, वो भी कॉन्गुएंट होते हैं।